भीलवाड़ा जिले के मंगरोप क्षेत्र में अवैध रूप से ट्रैक्टर चालकों से वसूली का आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए क्षेत्रवासियों ने बताया कि मंगरोप के पास पत्थर के प्रति ट्रैक्टर करीब 350 रुपए की रसीद काटी जा रही है। रसीद कटवाने के बाद भी खनिज विभाग द्वारा 27,000 की पेनल्टी रसीद काट दी है। ज्ञापनदाता ने आरोप लगाया कि 350 की रसीद अवैध रूप से काटी जा रही है, जिस पर न तो काटने वाली फर्म का नाम अंकित है और न ही ट्रैक्टर चालकों से ली जाने वाली राशि का विवरण दर्ज है। इस बारे में मंगरोप थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस पर पूर्व मंत्री गुर्जर ने कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी धांधलीबाजी इस राज्य में हो रही है। मैंने तो शायद मेरी जिंदगी में नहीं देखा कि इस तरह का अत्याचार और अनाचार भी कहीं होता है क्या। ये आदमी अभी यहाँ खड़े हैं और इन्होंने मेरे को ये बताया कि ये पत्थर का काम करते हैं, चीजा चीजा पत्थर का ट्रैक्टर भर के ला रहे थे। मंगरो गांव के अंदर एक नाका लगा रखा है और उसके अंदर उस रॉयल्टी काटते हैं उसकी पत्थर की। ये रसीद बताइए, इस रसीद के अंदर न तो ट्रैक्टर का नंबर है, ट्रैक्टर है, ट्रक है या बैलगाड़ी है, क्या है, इसका भी कोई नाम नहीं है, न इसमें कितने पैसे लिए गए वो कोई अंकित है, और न किसी कंपनी का नाम है कि किसने ये रेत काटी। केवल एक प्रकाश कीर के दस्तखत हैं, इस पर ज्ञानचंद खटी के दस्तखत है और केवल इसमें स्वयं किरान वगैरह 5:41 PM 5:41 PM लिखा और रसीद काटी। ऐसी रसीद शायद ये फर्जीवाड़े के भी फर्जीवाड़े की रसीद है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। ये जब ये शिकायत, ये रसीद लेने के बाद जब ट्रैक्टर को आगे ले गए तो वहाँ पे माइनिंग वाले मिले, उन्होंने कहा ये अवैध खनन है और उन्होंने 27,000 की रसीद और काट दी। इन्होंने ये 3,500 रुपये लिए थे, इसमें लिखा भी नहीं कि 350 रुपये लिए, लेकिन ये भी नहीं लिखा कि 350 रुपये लिए और उन्होंने 27,000 रुपये ले लिए। मैंने माइनिंग इंजीनियर से कल बात करी, मैंने कहा भैया ये क्या मजाक हो रहा है, क्या इस तरह की रसीदें काटने के लिए कोई अधिकृत है। उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा ये कि बजरी का ठेका जरूर है भीलवाड़ा तहसील के लिए, लेकिन देखा जाए तो हमीरगढ़ तहसील अलग है और मंगरोह उस हमीरगढ़ तहसील में आता, तो उसके परवे में नहीं आते हैं, और मान लो आते भी हैं तो भी उसका रवाना जारी होना चाहिए, उसकी रसीद होना चाहिए, ट्रैक्टर नंबर होना चाहिए, उसके समय होना चाहिए कब से कब तक वो वैलिड रहेगी। ये रसीद काटने वाले कौन होते हैं? और अगर ये अवैध खनन करके ला रहे हैं जहाँ लीज एरिया के बाहर से, तो माइनिंग वालों को कार्रवाई करने का अधिकार है। फिर ये जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन का जो ठेका, ऐसे ठेकेदारों को पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं। इसलिए ये सारे कानून ताक में रखे हुए हैं। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लेकिन ये गरीब आदमी बेचारा कमा नहीं खा सकता, जो अपने छोटा मोटा धंधा करता उनके साथ ये होता, और फिर इसके बाद ये अगर पैसा नहीं देते हैं या शिकायत करने चले गए। इन्होंने शिकायत की कि साहब ये पैसे दो तरफ कैसे ले ली, तो इनके साथ जाकर के मारपीट की। इन्होंने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया थाने में, गए रिपोर्ट दी, थानेदार जी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, और आज आपके अखबार में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं मेरे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं लाया, जबकि ये जीता जागता आदमी आपके सामने खड़ा है, आप पूछ लीजिए इससे। और ये रिपोर्ट भी इन्होंने थाने में दी, उसकी भी कॉपी है। अब हम SP से मांग करते हैं कि तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए, चाहे कोई कितना ही राजनीतिक प्रभावी हो, लेकिन आरोपी हमेशा आरोपी होता है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये मामलों सर, ये अवैध रॉयल्टी काट के सर थाना में रिपोर्ट दर्ज करी, थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और मारकूट करी यार एक प्रकाश खीर और ज्ञान जी खटीक और दो चार जना रोज ये दादागिरी लगा हुआ 360 रुपये ले रहा है, फर्जी पर्ची दे रहा और मारपीट कर दगदी को करे, दादा करे तो माइनिंग में देवे और नतरी दादागिरी लगा रही होगा। ये मंगरो आप लोग 360 रुपये लिया, बाद में भी आप 27,000 रुपये ले लिया, इनको बोला 360 रुपये लिख दे तो वो 27,000 रुपये वो ट्रैक्टर को वहाँ ले जाके माइनिंग करवा के 360 रुपये वो 27,000 रुपये रसीद कटवा दिए। हाँ अवैध 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 कर रहे, अवैध अवैध ले रहे पैसा। थाना में रिपोर्ट दी थी साहब, थानेदार की होगा, हमारे यहाँ रिपोर्ट ही नहीं है। कब गए थे रिपोर्ट? 9 तारीख में। हाँ सब मिला हुआ है सर, कोई देख कर कार्रवाई नहीं कर रहे सर। नाम आपको? हीरालाल खटीक।